तो यार आप सभी का स्वागत है एलन वेक रीमास्टर डीएलसी पार्ट 1 के अंदर। तो यार इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली जो स्पेशल एपिसोड्स थे ना हमारे, सो ये रहा आपका स्पेशल 1 द सिग्नल और स्पेशल 2 द राइटर, ये दोनों हम गेम खेलेंगे। सो इसके अंदर बेसिकली आई थिंक अराउंड हमें 4 वीडियोस लगेंगी, 2 वीडियोस हर एक स्पेशल एपिसोड को कंप्लीट करने के अंदर। एपिसोड 6 की एंडिंग जो थी वो थोड़ी सी मुझे कंफ्यूजिंग लगी कि हाँ जी क्या एलन वेक ने समय पलटा था जिसकी वजह से जो लोग मरे थे सारे के सारे वापस जिंदा हो गए, क्योंकि हमने देखा आखिर के अंदर नाइटिंगेल भी दिखा था हमें, एजेंट नाइटिंगेल। लेकिन कंफ्यूजन इसमें यह भी है कि क्योंकि रोज हमें दिख रही थी कि वो अब अजीब हो चुकी थी, क्योंकि डार्कनेस उसके ऊपर बेसिकली कब्जा किया था कुछ टाइम के लिए। तो क्या रोज को सब कुछ याद है जो हुआ था? तो थोड़ा सा कंफ्यूजन है मुझे यहाँ पे एग्जैक्टली चल क्या रहा है सीन। उसके अलावा जैसे कि अभी अगर हम स्टैट्स के अंदर बात करेंगे, एक्स्ट्रा स्टैट्स के अंदर, सो कितनी बढ़िया चीज़ है ये कि मैन्यूज के पेजेस को छोड़ के बाकी सारे के सारे कलेक्टिबल्स मैंने अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं, माना गाइड का इस्तेमाल किया, लेकिन यार अकम्प्लिशमेंट तो अकम्प्लिशमेंट ही है। उसके अलावा जो 15 अभी ये मैंने उसके पेजेस बचे हैं वो नाइटमेयर डिफिकल्टी के अंदर है, मैं थोड़ा चेक किया था। सो अगर आपको नाइटमेयर डिफिकल्टी खेलना है गेम तो आपको न्यू गेम करना पड़ेगा, आप सिंपली एपिसोड्स में जाके नाइटमेयर नहीं कर सकते हैं। जब आप न्यू गेम चालू करोगे तो नाइटमेयर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा गेम, और फिर आप बेसिकली सारे के सारे आपको 6 के 6 एपिसोड्स खेलने पड़ेंगे नाइटमेयर में, तब जाके आप सारे मैन्यूस्क्रिप्ट्स को कलेक्ट कर पाओगे। प्लान कुछ ऐसा है, अभी मैंने 16-18 एपिसोड्स मैंने अच्छे क्या कहते हैं वीडियोस मैंने लगा दी है एलन वेक रीमास्टर्ड के मेन गेम के अंदर, 4 वीडियोस। उसके बाद अभी मैं खेलने वाला हूँ डीएलसी की, और उसके बाद मैं ऑफ रिकॉर्ड रिकॉर्डिंग नहीं करूंगा इस चीज़ की, लेकिन मैं नाइटमेयर डिफिकल्टी के अंदर 6 के 6 जो भी है आपके एपिसोड्स उनको कंप्लीट कर लूंगा। फिर उसके बाद मैं 2 एपिसोड्स दिखाऊंगा, सॉरी 2 वीडियोस रिकॉर्ड करूंगा जिसके अंदर मैं 15 की 15 जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स है उनको एक्वायर करूंगा, और उसके बाद फाइनली आखिरी के 2 वीडियोस मैं रिकॉर्ड करूंगा जिसमें हम डिपार्चर जो मैन्यूस्क्रिप्ट है उसको पूरा सुनेंगे अच्छे से, ठीक है? और ये पूरा प्लान रहेगा बेसिकली हमारा। उसके अलावा अगर हम कलेक्टेबल्स की बात करेंगे डीएलसी के अंदर की, सो यहाँ पे दिखेगा हमें, सो जो अलार्म क्लॉक्स और कार्डबोर्ड स्टैंडीज, ये जो 2 है ये हमारे स्पेशल एपिसोड 1 के कलेक्टेबल्स है, और नाइट स्प्रिंग्स वीडियो गेम्स जो है वो स्पेशल एपिसोड नंबर 2 के कलेक्टेबल्स है। मैंने सोचा है अराउंड, क्योंकि फर्स्ट स्पेशल एपिसोड में 16 कलेक्टेबल्स है, तो जब मैं अराउंड 8 कलेक्टेबल्स हो जाएंगे तब मैं वीडियो को एंड कर दूंगा, और उसके बाद आखिरी के 8 8 कलेक्टेबल्स मैं सेकेंड वीडियो में खेलूंगा एक्वायर करूंगा, ठीक है? तो यार शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी गड़बड़ के, यहाँ चलते हैं और यहाँ पे खेलते हैं हम सिग्नल 1 द राइटर। Previously on Alan Wake, something I only know is the dark presence held my wife captive and used her to make me write a horror story that came true. I'll bring her back. Some part of me had been aware enough to write my escape into the story. Alan? I saved Alice, then wrote a better ending for the story. But not without a price. I was trapped somewhere in the dark place, a strange zone somewhere beyond our world. It's not a lake. It's an ocean. After the completion of any difficult undertaking, there are mixed emotions: accomplishment and relief, sadness, depression. For a while, everything was about the work, like an illness that consumed you, changed you. You locked yourself away from the world to do it, and now you need to recover. Learn to live without it. Find a way to crack open the door and let the light back in. I knew this place. It was familiar, but wrong somehow. Welcome to the. Everything had a surreal, dreamlike quality. I can't believe it. I had a disturbing feeling of déjà vu. I had no idea why I was here or where I had been before this moment. But something was waiting for me at the back of the diner. Try the coffee.
Just don't blame me when you fall in love, because it'll break your heart when you have to leave. Here is no longer human. Nothing but black coffee under a thin layer of skin. अगर तुम देखोगे तो ये सारे करेक्टर्स एक्चुअली सी थ्रू है. इसका मतलब ये दिखा रहे हैं कि इस टाइम पे कोई ड्रीम सीक्वेंस के अंदर फंसा हुआ है एलन वेक. उसके अलावा एक चीज़ तुमने नोटिस की, जब भी एलन वेक का नाम बोला जा रहा है तब ये डिस्टॉर्ट हो जाती है वॉइस. ऐसा क्यों? कंफ्यूजिंग चीज है ये. I'd do it myself, but both of my legs have gone to sleep. Bad circulation. Yeah. Are you serious? Now that's what I'm talking about. Yes. This is it. A dying gun. मुझे कलेक्टेबल दिख रहा है अलार्म क्लॉक वहाँ पे सामने, लेकिन अभी हम शायद से एक्सेस नहीं कर सकते. लगा ही था. ठीक है, सिंथिया वीवर है यहाँ पे. सेम चीज मेरे ख्याल से होगी, हमें स्टकी के पास जाना होगा. कार्ल स्टकी. ओ, इस बार हम रेस्टरूम के अंदर जाके देख सकते हैं कि एक्चुअल सीन क्या है. हाँ, एलन, लिसन टू मी, गो नो डीपर. व्हाट? फोकस, यू आर लूजिंग योरसेल्फ. I will try to help the best I can, but it's up to you. Find a better point of contact. What do you mean? I cannot hear you. Please, you're the one making all this happen. Concentrate. This is what's happening. Nightmares. Too deep. Can't take the pressure. It's too much. Suddenly, Wake found himself face to face with himself. At the sight of myself, the dream suddenly became lucid. The dark place. That's where I was. You will need weapons. It's not the light itself, but what it represents. You will need it. This is not a gun. It is a tool in a logical process of elimination. Be careful. I will try to find a better point of contact. I didn't understand Zane's message, and knowing where I was didn't fix anything. Something had gone wrong after I had finished departure. ठीक है, गेट अपने आप खुल गया, जो बिल्कुल नॉर्मल चीज है देखा जाए तो. ठीक है, एक बार रेस्टरूम चेक कर लेते हैं. ओके, मेरा वॉस हेयर. हाँ, और यहाँ कुछ है नहीं, और यहाँ कुछ नहीं है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. कुछ हुआ. What the hell was that? ठीक है. The diner had become deserted. Then the door was smashed off its hinges and Wake had to fight for his life. क्या इसका मतलब ये है कि हमारे ऊपर हमला होने वाला है? जी हाँ. ठीक है, थोड़ा सा मुझे टाइम लगेगा सही से काम करने में. बाय बाय. ठीक है, सो क्या अब हम अलार्म क्लॉक को एक्वायर कर सकते हैं? जी हाँ. तो क्या ये अलार्म क्लॉक्स बेसिकली ये सिग्निफाई करते हैं कि हम नाइटमेयर में हैं? पॉसिबल है, क्योंकि हम इस टाइम पे हम डार्क प्लेस के अंदर हैं. ये सच में नहीं हो रहा जो चीजें हो रही हैं.
हमारे पास बहुत कम एमओ इस टाइम पे। वेट फॉर मी वो रजियन। ओह द वर्ल्ड हैड बिकम ट्विस्टेड दीस ट्रीज डिडंट बिलोंग हियर। ओके यहाँ कहीं पर अगर एमओ मिल जाए थोड़ी बहुत। ये क्या ये एक पर्टिकुलर कोई घर है सामने, वहां जाना है हमें। भागो ठीक है। निकल गया निकल गया निकल गया, बच गया। ये एक चेज सीक्वेंस ही कह सकते हैं भाई, यहां हम कुछ नहीं कर सकते थे। ओके यहां हम कोई घर के अंदर आए किसी के। ओह यहां कुछ है। I knew it was my writing, but the words were jumbled dreamlike fragments. Reloading frantically, the rounds of just a stone's throw away from the tent. The bed looked inviting, but it was just the radio. I had to go on. She was startled by the phone. The GPS system was working. I hadn't expected that. Hello? I'm trying to reach you. Can you hear me? Can you hear me now? Yes. Listen, I can help you, but you're drifting deeper. I can't reach you. You must come to me. I can't maintain the connection. Use the words. Follow the signal. It made no sense for the GPS system to work. I doubted any satellite was in range here. These were alien skies. But it was guiding me towards something, towards Zane. मुझे शायद से दिख रहा है जीपीएस सिग्नल सामने है, मुझे दिख रहा है। देखोगे ऊपर लेफ्ट एरिया में वहां पे एक दिख रहा है ना हमें कुछ येलो हिस्सा, वो मोस्ट प्रोबेबली जेन का सिग्नल है। और इससे मुझे याद आ रहा है कि मैं इसके ऊपर बिल्कुल भी नहीं देखता था। अगर मैं देखता तो शायद से जो पिछले गेम क्या कहते हैं मेन गेम के अंदर जो मैं कई बार खो जाता था कि मुझे समझ में नहीं आ रहा जाना कहाँ पर है, अगर इसको देखता तो शायद से मुझे याद देख मिल जाती जगह। मैंने बिल्कुल ही भुला दिया इसको। क्या हुआ, लाइट आ गई क्या यहाँ पे? हैवी ड्यूटी फ्लैश लाइट, यस हमें चाहिए ये। फ्लेयर गन, प्लीज काम की चीज है। तो ऐसे हम एक्वायर कर पाएंगे शायद से चीजें। लिथियम बैटरीज थोड़ा बहुत सही में आ रहा है कि कैसे क्या होने वाली चीज है। यहाँ नहीं जा सकते, बाहर जाने हमें वापस। Something had shifted again. The dark place was playing tricks on me. It wouldn't stay still. ओके आगे बढ़ते हैं। ठीक है वापस से हम डाइनर में जाए जा सकते हैं? नहीं, जीपीएस सिग्नल इस साइड पे जा रहा है। ऑफ कोर्स
सीन जबरदस्त है, कुछ भी कहो। ये क्या, अब अगला यहां पर है। पिलर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि हम कार से बचे रहें। अब आ जाओ, बाय बाय। उप्स, भागो वापस। थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा बस हमें, और मैं बैटरी ज्यादा इस्तेमाल करना नहीं चाहता। ऑलमोस्ट हो गया, ऑलमोस्ट। उप्स, 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 उप्स। बच गया, चलो गए। अगला कौन सा है? एक आध कार और आएगी मेरे हिसाब से। ओके, ये ट्रक है क्या? ये क्या, अब मेरे ख्याल से नहीं होगा। क्या हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? जीपीएस सिग्नल यहां पे। टूल्स, फ्लेयर्स, शॉटगन एमो, रिवॉल्वर एमो, शॉटगन, क्या बात है। ठीक है, कुछ है। ये क्या, ये क्या, और भी बंदे आ गए भाई। भर भर के बंदे आ रहे हैं। आ जा, ये क्या, ओके हमारे पास एमओ बिल्कुल भी नहीं है इस टाइम पे। देख लो, एक बार में पांच पांच छह छह एनिमीज एक क्लोज्ड एरिया के अंदर मिल रहे हैं हमें। बस एक और कलेक्टेबल हमें मिलने वाला है, तो थोड़ा ध्यान रखना है। ओके, इस एरिया में एवरीथिंग आई सॉ वाज फैमिलियर and yet it wasn't. Hello? I cannot keep up. You're going too deep. I will try to guide you. Follow the signal. I'm trying. You must face yourself. Follow me. Oh! The GPS system was supposed to lead me to Zane, but the shifts were interfering with it. I had to keep trying. I wouldn't survive alone. ठीक है, सो ये देखो, ओडिन एंडरसन का ये है कार्डबोर्ड स्टैंडी। ओडिन एंडरसन, द ऑल फादर, द ट्रिकीएस्ट गैरियाट्रिक विद द विटीएस्ट गिमिक, द डिरेंज्ड पैट्रियक विद द ट्रेडमार्क टेंजेंट, क्रेजी लाइक अ फॉक्स डिग, द एंड्यूरिंगली पॉपुलर स्टार ऑफ द हिट रियलिटी सीरीज बैरी व्हीलर प्रेजेंट्स न्यू ट्रिक्स फॉर ओल्ड गॉड्स, blasts out his famous his latest masterpiece guaranteed to please gourmands everywhere, moonshine, it's what's for dinner, it's available to in all fine bookstores, also available as a modestly priced limited edition with annotations and commentary by Barry Wheeler, film fans take note, coming soon as an audio book. To aisa kuch dikha rahe hai ki finally jo keh raha tha Barry nikalne ke baad ye old gods ko bhi apna ek wo banayega client।
तो मेरे ख्याल से वो दिखा रहे हैं। एक बार मैं बस जरूर चेक करना चाहूंगा कि ये सही से काम कर रहा है, सही से काम हो रहा है। एक अलार्म क्लॉक, एक कार्डबोर्ड स्टैंड हमें मिल गया है। उसके बाद हाँ, समझ गया एरिया। आगे अगला वाला कौन सा है? तो मोस्ट प्रॉब्ली जो कार्डबोर्ड सैंडी से अलग अलग कैरेक्टर्स के बारे में होंगे, और शायद से गेम खत्म होने के बाद उनका क्या हुआ ये पता चल रहा है हमें, कि जैसे कि वो ओडिन एंडरसन जो है बंदा, इसको बैरी विलर ने वो कर लिया, एक वो बना लिया अपना क्लाइंट, तो फिर ये भी अब चीज़ें प्रोड्यूस करता है, बुक्स, किताबें। मोस्ट प्रॉब्ली मूनशाइन तो अल्कोहल का नाम था, तो शायद मूनशाइन अल्कोहल वगैरह भी, या फिर एक ये जोक है, ये भी पॉसिबल है। यहाँ कुछ नहीं है, ये वो एरिया है, क्या कहते हैं, टाउन हॉल का एरिया है ये, मुझे याद है यहाँ पे हमने हेलीकॉप्टर की कील ढूंढी थी। यहाँ से Changes were becoming more violent. The street wasn't so much ripped apart as it was missing. Like some great hand had reached down and scooped it up. Everything felt erratic, unstable. ठीक है, सो यहाँ चलते हैं। बैटरीज, रिवॉल्वर एमओ, इसकी काफी ज्यादा जरूरत थी हमें। फ्लैश, क्या मिला हमें? फ्लैश बैंक्स, सिर्फ एक ही मिला। फ्लेयर्स, और ये रहे एक और कार्डबोर्ड स्टैंडी, उससे पहले फ्लेयर को ले लेते हैं। और ये किसका कार्डबोर्ड स्टैंडी है? सैरा ब्रेकर का। इसका नाम सैरा विटेकर नहीं था, सैरा ब्रेकर, ब्राइट फॉल्स फाइनेस्ट, द रेड हॉट कॉप चिट विद द लाइटनिंग फास्ट ब्रूमस्टिक, हर डेब्यू बुक, द ओनली गर्ल इन द बुक हाउस, डेल्व्स डीप इनटू द डबल लाइफ ऑफ हैविंग अ सक्सेसफुल लॉ एनफोर्समेंट करियर वाइल बीइंग इन्वॉल्व इन अ सीक्रेट सोसाइटी। हाउ डज डैडीज लिटिल ट्रूपर फिट इनटू एन ओल्ड फैशन फ्रेटर्निटी? मुझे लग रहा है कि एक्चुअली ये भी सब एक ना जोक है, यह कुछ एक्चुअली इन सब के साथ ऐसा नहीं हो रहा जितना दिखा रहे हैं कि ऐसा हो रहा है। ठीक है, यहाँ और कुछ नहीं है। अब एक सेकंड मुझे जरा चेक करने दो कि अगला कलेक्टेबल कहाँ पर है। ओके, हाँ समझ गया, एरिया कौन सा है। आगे बढ़ते हैं। सो हमें एक ब्रिज का इस्तेमाल करना है, वोरा ब्रिज, ये एक साइड एरिया था जिसका हम इस्तेमाल, जहाँ पे थे हम। और यहाँ कुछ और नहीं, आगे बढ़ते हैं। उप्स उप्स उप्स, ठीक है, एरिया देख रहे हो क्या, बैंड बजी पड़ी है एरिया की। आ जाओ, स्पीड से काम करना पड़ेगा। ये क्या, ये क्या, ये क्या, ये क्या, कोई नहीं, ये क्या, अब इस बड़े वाले को करना है बस, बाकी काम खत्म। उप्स उप्स उप्स, आ जा,
बाय बाय। भाई साहब इतने सारे एनिमीज आते हैं एक साथ, झुंड आता है पूरा झुंड। इसमें ये तो है कि डिफिकल्ट बहुत बना दिए इन्होंने गेम को, और ये नॉर्मल डिफिकल्टी है, नाइटमेयर पे तो हम पहुंचे नहीं अभी तक। ओके यहाँ पे कुछ आइटम्स हैं। ये थे बैटरीज, फ्लेयर्स, शॉटगन एमो। अभी ऐसे ही रखते हैं। चेक पॉइंट नहीं। ओके कुछ हुआ। Where are you? Look, I'm trying to follow your goddamn signal. The dark place is playing tricks on you. You're still going deeper. I'm trying to guide you, but it's hard. What is this? I can help you if you just stop sinking. What? This is bullshit. It's happening again. Brace yourself. I was running after Zane, and he was telling me I was going too deep. It was ridiculous, but I was more scared than amused. I felt like I was being hindered by an unseen force in ways I couldn't fight. All I could do was keep going. ठीक है, जैसे कोई एनिमीज दिखे लड़ाई के लिए शुरू हो जाओ, रुकना ही नहीं है। यहाँ कुछ है क्या? नहीं। एरिया देखो भाई, एरिया तो कुछ ही कहो भाई, एटमॉस्फेयर तो मैं मेन गेम से ज़्यादा बेटर एटमॉस्फेयर कहूँगा अभी इस टाइम पे जो बना रखा है इन्होंने। एक सेकंड रुको, समझ गया। चेक पॉइंट, यहां नहीं चढ़ सकते हम। आ गए और बंदे स्पीड से। ओ नहीं नहीं नहीं, कहां पर है बंदे? मुझे पता है वो हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं, लेकिन भाई टाइम नहीं हमारे पास। ये क्या, और कौन कौन है? ये रहा आखिरी वाला। ठीक है, थोड़ा सा डेंजर लेना पड़ेगा ताकि हम जल्दी से जल्दी हरा सकें। ऊपर चलते हैं, मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर जाना है हमें। ठीक है, वहाँ जाना है हमें कूदते हुए। यहाँ कुछ रिसोर्सेस वगैरह हैं? हाँ है। ठीक है, फ्लेयर गन्स, लिथियम बैटरीज। मुझे एमओ चाहिए भाई, एमओ। एमओ बहुत कम है मेरे पास। ये एरिया भी मुझे याद है, ये एरिया मुझे याद है, शायद सहरा के साथ आ रहे थे हम इस एरिया के अंदर। चलते हैं। I don't see Barry. Look, wait, maybe that's him. That's the way to the chopper. I remember this. This happened before we found Barry. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आवाज आ रही है, अलार्म क्लॉक की आवाज आ रही है। ओ भाई बड़ा बंदा है तो। ये क्या, ये क्या, एक और भी कुछ है।
आवाज मुझे इस साइड से आ रही है, ये रही। नाइस। क्या हमारे पास दो कार्डबोर्ड स्टैंडीज और दो लैम्प क्लॉक्स आ चुकी हैं? जी हाँ आ चुकी हैं। उसके अलावा कितना टाइम हुआ है अभी हमारे पास? सो हमारे पास अभी 30 मिनट्स हो भी गए हैं, थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा। ठीक है समझ गया अगला कहाँ पर है। ये हो गया। ये गया। और कोई गेट है सामने? और उसके अलावा यहाँ पे एरिया में कोई और लगता तो नहीं। चलते आगे। ओ चर्च का आगे का एरिया ये तो। यहाँ पे कुछ है? इस साइड पूरा ब्लॉक्ड ऑफ कर दिया इन्होंने एरिया को। आ गए एनिमीज। ओ भाई यही बचा था, भागो। ये क्या? ये क्या? अब बस ये बचा है, बाकी सारा हो गया। ओके ये भी गया। ओ भाई पूरा ट्रक ही लिया है इस बार तो। डन। सारी भाई साहब बैटरीज खा गया ये। ओके ओके सारा खोलेगी गेट। ठीक है गेट खोलते हैं। सो यहाँ पर पीछे एक कार्डबोर्ड है स्टैंडी। ठीक है। सो बैरी व्हीलर द लिटररी एजेंट विद द कॉन्स्टेंट एलमेंट द फ्रेंटिक साइडकिक विद हेरेटिक रिटोरिक द ओनर ऑफ द मोस्ट फैशनेबल जैकेट एवर मेड एंड द ऑथर ऑफ द इंडिस्पेंसिबल गाइड टू वुड बी एजेंट्स एवरीवेयर ब्लड फ्रॉम अ रॉक व्हेन द गूस स्टार्ट्स गोल्ड ब्रेकिंग प्रेजेंट्स अ न्यू कलेक्शन ऑफ शॉर्ट फिक्शन बाय एलन वेक इंक्लूडेड आर क्लासिक्स लाइक एरेंड बॉय एज वेल एज न्यूमरस मॉडिफाइंग क्लमजी अर्ली वर्क्स बरी डीप इन द डिसअपीयर्ड राइटर्स फाइल्स Never intended for publication. That's not the Wheeler's way. Get yours now. Okay, आगे बढ़ते हैं। उससे पहले एक सेकंड में जल्दी से चेक करता हूँ अगला कहाँ पर है आपका कलेक्टेबल। एक सेकंड रुको जरा। ठीक है तो मैं चेक कर रहा था असल में। सो अगले जो तीन कलेक्टेबल्स हैं तीनों के तीनों अलार्म क्लॉक्स हैं। ऑलरेडी हम अराउंड 5 कलेक्टेबल्स कंप्लीट कर चुके हैं, तीन और करने हैं, उसके बाद मैं गेम एंड कर दूँ, वीडियो एंड कर दूंगा। ठीक है तो आप कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे टूल्स हैं। अलार्म क्लॉक का ये बेनिफिट है कि एटलीस्ट हमें सुनाई दे जाता है कि कहाँ पर है एरिया, कि हमें मिलने वाली क्लॉक फ्लेयर्स बस सुनने की देर है। और यहाँ पे लिथियम बैटरीज, उसके अलावा ठीक है आगे बढ़ते हैं। खुद को गाली दे रहा है बैठ के। ठीक है आगे बढ़ते हैं। देख आवाज सुनाई दे रही है अलार्म क्लॉक की।
The shifts were getting more severe. I wasn't sure if the place got bigger or I got smaller. The signal was going haywire. I would have to find my way here on my own. ये जो ब्लास्ट है ना, ये एक्चुअली हम इससे ना धमाका कर सकते हैं एनिमीज को हराने के लिए. ये ब्लेजर्स कहते हैं शायद इनको. गाइड में तो ये लिखा था. वो आगे बढ़ते हैं. नाइस, देख रहे हो. आ जाओ आ जाओ आ जाओ. भागो. बढ़िया. और कोई? वो रहे बंदे. और भी ये बंदे दिख रहे मुझे. आजा आजा. गया. नाइस. और कहीं पे कोई? नहीं. ये देखा जाए पूरी मेज बना रखी है ब्लेजर्स की. आजा आजा आजा. कौन कौन मर रहा है? अच्छा मैं कुछ ज्यादा क्लोज आ रहा हूं. ये गया. आजा आजा आजा. देखा ब्लास्ट के पास नहीं जाना मैं. वहां पे मैं डैमेज हो रहा है. ठीक है. वो रही अलार्म क्लॉक. नाइस. आगे बढ़ते हैं. यहां से कैसे जाना है? वो रहा क्लाइंब. ओके, लैडर हमने एग्जिस्टेंस में ले आए हैं. हम अब यहां से बाहर निकलेंगे. हम वोरा ज़ेन. ज़ेन लेफ्ट मी अ पेज. ही वाज़ ट्राइंग टू हेल्प मी. ठीक है. वॉल ट्रेमर स्क्रीम बेस्ट सेलर. इससे क्या होगा? हाँ, अरे भाई, हेलो सर. ठीक है. इंटरेस्टिंग. ऑलमोस्ट हो गया था. ऑलमोस्ट हो गया था. ओके, हमें ट्रॉफी मिली. अ फ्रेंड इन नीड. You found Barry, or at least the next best thing. क्या बात है? Barry? Hey, bestseller, looking good. You're not real. Well, no shit. What gave me away? What, the see-through thing? I'm a figment of your imagination, just like pretty much everything else you see here. Maybe even you. That's insane. Yeah, you're right. Everything that happened before made perfect sense, but this is insane. Good catch, Al. Okay. Okay, look, I gotta get going. The GPS... The GPS, yeah, I know. Follow the signal. Got it. So, anywho, I'm here to help you. The thing is, you need to get a grip, all right?
You nag the way the real Barry does. You know that? Well, hey, you know, be fair. It's not my fault you think I'm annoying. I don't think you're annoying. Ah, babe, relax. It's cool. Just try to stay on the ball here. You need to do what Zane tells you. He's been here for ages. He's like the expert. ठीक है, तो ये अपना बस दिमाग खराब करने के लिए आया है बंदा, और कुछ नहीं करना इसको. आगे बढ़ते हैं. Anyway, if this is insane and it's all from your mind, what's that say about you? Fine, enough. Oh. I can't believe I was actually happy to see you. Oh, come on. Don't shit a shitter, Al. Deep down, you're always happy to see me. Can't lie to yourself, know what I'm saying? I must be a sucker for punishment. You? Haha. Really? And I always thought you went out of your way to avoid trouble. Thanks. Thanks for that. Barry से नहीं जीत सकता एलन, कुछ भी हो जाए. ओके, आगे बढ़ते हैं. Checkpoint reached. सामने कुछ है. Signals pointing towards that thing in the distance. Yeah, that'd be the Biltmore sawmill. How the hell do you know that? I don't know anything you don't. So why don't you ask yourself that? Huh? Maybe you saw a sign for it back in the real world. Or maybe it's the sawmill, because I said it's the sawmill, and now you can't get it out of your head. Fantastic. Yeah, sure has given me a headache. Or is that your headache? Do you have a headache? Barry. Dude, we're bonding. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. वो क्या बूम, मुझे गड़बड़ लग रही है. ये वर्ड खतरनाक है. ठीक है, कुछ हुआ, आ रहे बंदे. नाइस, अच्छा ठीक है. सो ये अपना वो है कैनिस्टर जो था ना, प्रोपेन टैंक, ये उसकी तरह काम करता है. आगे बढ़ते हैं. टूल्स, नाइस, काफी सामान मिला है यहाँ पे हमें. और कुछ नहीं. ऑफ कोर्स, ये क्या? ठीक है, आगे बढ़ते हैं. तो अब हमें इनविजिबल एनिमी से बचते हुए चलना पड़ेगा. मुझे बूम दिख रहा है काफी जगहों पे, और यहां पे है फायरवर्क्स. नाइस. एक सेकेंड रुको, जरा मुझे चेक करने दो अगले कलेक्टेबल के बारे में. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. ओके, यहां पे ही कहीं पे कलेक्टेबल है. आ रहे बच्चे. नाइस.
देखो आवाज सुनाई दे रही है। बोरा एक और अलार्म क्लॉक मिल गई हमें और अब हमारे पास टोटल हो जानी चाहिए 7 कलेक्टेबल्स और जो आखिरी अलार्म क्लॉक है अलार्म क्लॉक नंबर 5। ठीक है समझ गया आखिरी कौन सा है बस वो करने का गेम गेम एंड करेंगे और बाद में करेंगे बचाओ काम अगली वीडियो के अंदर। सो हमें जाना है इस साइड पे ऊपर जो स्क्रीन है ये कह रही है कि इस साइड पे जाना है ओ टूल्स नाइस। और भी है कोई नहीं आ रहे हैं आ रहे बंदे मुझे दिख नहीं रहे बस उस साइड से कैसे आ रहे हैं वो रहे बंदे सो मे बी इधर ये क्या और कोई वो रहे एक ठीक है वो रहा सेफ हेवन दिख रहा है मुझे सबसे पहले यहां चलते हैं ठीक है उसके बाद हमें जाने यहां पे और यहां पे सबसे पहले आई थिंक टरेट को करना है एक सेकेंड रुको जरा मुझे पढ़ने तो चलते आगे नाइस ये क्या ये भी क्या अच्छा उससे मैं एक चीज चेक करना तो भूल ही गया सामने वो क्या है ब्रिज अच्छा यहाँ पे भी एक टर्रेट है you know, Really? You think? Yeah. You should probably use them. Your insight is staggering. I know. So apparently yahan andar jana hai. Aur yahan pe hai apni alarm clock. Nice. Daudo yahan se. Unse zabardasti ladai nahi karni hame. Aa jao kya karoge? Kuch nahi kar sakte tum. ठीक है हमारा ऑल अब देखो जैसे ही अगला चेक पॉइंट आएगा मैं वैसे ही गेम को एंड कर दूंगा क्योंकि अब इसके आगे के करने की ज़रूरत नहीं है तब भी एक बार चेक करने दो मुझे या फिर छोड़ो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो यार इसके साथ इतना ही अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो मैं बढ़िया बढ़िया कॉन्टेंट डालता रहूँगा अपने चैनल पर तो उन्हें ज़रूर चेकआउट करना और बाई चांस अगर तुम्हें लगता है मेरा कॉन्टेंट बढ़िया है उसको जाके शेयर करो और आपकी तरफ फैला दो तब तक के लिए इतना ही सायोनारा।